बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के खिलाफ बीजेपी विधायक साधना सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी से सियासी माहौल गर्मा गया है। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपना अपमान को पी लिया और अपने महिला का जब जिस दिन चीर हरण हो जा, जिस दिन महिला का ब्लाउज फट जा, पेटीकोट फट जा, साड़ी फट जा, वो महिला अगर सत्ता के लिए आगे आती है, वो महिला नाम पे कलंकित है, उसको पूरे देश की महिला कलंकित मानती है, जिस नाते कि हम लोगों को वो महिला कहने में भी संकोच लगता है कि वो तो किन्नर से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि वो नर है न महिला है। गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले भर में प्रदर्शन किए, अनेक स्थानों पर पुतले फूंके गए। वहीं बीएसपी की ओर से पलटवार करते हुए पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने इससे बीजेपी की बौखलाहट बताया। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए साधना सिंह को नोटिस देने का फैसला किया है। आपको बता दें, मायावती के विरुद्ध टिप्पणी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसे भाजपा का दिवालियापन बताते हुए देश की महिलाओं का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने जिस तरह अपशब्द बोला वह घोर निंदनीय है, ये एक तरह से देश की महिलाओं का अपमान है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक को इस बयान पर घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने भी बयान की बदसरना करते हुए कहा कि व्यक्तिगत आरोपों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होता, विशेषकर महिलाओं के प्रति मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी विधायक द्वारा की गई अनुचित टिप्पणी भारतीय संस्कृति को तार तार करने वाली है। उन्होंने कहा, मुख्य बात यह है कि बीजेपी नेतृत्व इस अभद्र आचरण पर मौन है। राष्ट्रीय लोकदल के मुख्य प्रवक्ता अनिल दुबे ने आरोप लगाया कि चुनाव से पूर्व सार्वजनिक स्थलों व भाषणों में मर्यादाहीन आचरण व बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इससे सबक मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।